हेलो फिजियोज, वेल्कम बैक माई सेल्फ बिलीव इन थेरेपी। आई एम नेहा एंड टुडेज डिस्कसिंग टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज द इलेक्ट्रो डायग्नोसिस। तो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस टॉपिक है, ये हेल्प करता है आपको डायग्नोस करने में। तो ये टॉपिक अच्छे समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि हमें डायग्नोस कैसे करना होता है। आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, उसकी कंप्लेंट रहती है कि उसके नर्व है वो कंप्रेस हो गई है या उसे पेन हो रहा है, सपोज रिस्ट ड्रॉप हो गया, उसे मीन्स उसके रेडियल नर्व है वो कंप्रेस हो गए हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस होती है, वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, लॉस ऑफ फंक्शनल मूवमेंट्स हो गए, वॉलंटरी कंट्रोल्स नहीं है। तो इस टाइप की पेशेंट की कंप्लेंट रहती है, तो आपको वहाँ पे डायग्नोस करना होता है। हो सकता है हमारे नर्व में कोई लीजन हुआ हो सकता है हमारा जो जंक्शंस होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ हो सकता है, मसल्स वीकनेस। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, पर आपको प्रॉपर डायग्नोस करना है। तो डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस का मीन्स क्या होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रो मीन्स हम एक इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके बाई द प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड से डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या इसे। ओके, तो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस मीन्स इसमें स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मोटर यूनिट्स। तो जो हमारे मोटर पॉइंट्स होते हैं मसल्स के, तो वहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है उसको हम चेक करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जब हम एक कोई भी स्टिमुलेशन देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट करते हैं और उसे करंट देते हैं, स्टिमुलेशन देते हैं, तो उससे एक ग्राफ फॉर्म होता है उस मसल्स का, जिस मसल्स पे हम करंट दे रहे हैं। तो उसका जो ग्राफ फॉर्म होता है वो हम एक डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कितनी उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारा जब हम डिस्प्ले पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि मसल्स इनर्वेटेड है या डीनर्वेटेड है। ओके, तो हुआ ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, क्योंकि ये हम एक डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशंस है, क्या मसल्स पे एग्जिस्ट कर रही है, हमारे नर्व पे या दोनों पे। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है मसल्स को डिफ्रेंशिएट करने में कि नर्व में प्रॉब्लम है या मसल्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनालाइज करता है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं डिस्प्ले पे, एक मेजरमेंट करते हैं कि मेजरमेंट प्रॉपर हमारा सही है या गलत है, और उसमें पूरा आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप ईएमजी में देखते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है, जो कि डाई नीडलिंग करते हैं, उसमें नीडलिंग करने पे हम एक ग्राफ देखते हैं मसल्स का, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो डायग्नोसिस है, इसमें हम कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में और प्रोग्नोसिस के लिए। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ फोर टाइप के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये इसमें आते हैं। ये वन बाई वन सारे टेस्ट पढ़ेंगे आप। हम इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एनसीवीडी और ईएमजी टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टैंड ड्यूशन कर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एसटीसी एंड देन उसके बाद एफजी टेस्ट मीन्स फेरेटिक गैल्वेनिक टेस्ट। तो ये जो सारे टेस्ट हैं, ये चारों टेस्ट हमें एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं कि इसकी मसल्स में प्रॉब्लम हुई है या नर्व में हुई है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, मसल्स की कितना मसल्स कॉन्टैक्ट करें, कितना रिलैक्स करें। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी में हमें नर्व में देखने को मिलता है कि किस साइड पर लीजन हुआ है, हमारी सेंसरी नर्व में हुआ है, हमारी मोटर नर्व में हुआ है। तो ये सारा उसमें एनसीवीटी में हम देखते हैं। एसटी कर्व में हम देखते हैं कि कितना पार्शियल इनर्वेटेड है हमारी नर्व या डीनर्वेटेड है। ओके, एफजी टेस्ट हम कराएंगे, वो हम फेरेटिक गैल्वेनिक के भी हमारे इनर्वेशन और डीनर्वेशन के लिए होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन हमें कुछ देखने को मिलती है, कैसे चेंजमेंट कुछ देखने को मिलेगा, जिससे हम पता करेंगे चेंजमेंट क्या देखने को मिलेगा, क्यों ऐसी कंडीशंस हो जाती है वो समझते हैं। अल्टरेशन देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिकल रिएक्शन का, जैसे ही हम इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे, तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में नॉर्मल से कुछ अल्टरेशन देखने को मिलेगा। अल्टरेशन देखने को मिलता है तो यस, आप समझ जाएंगे यस यहाँ पे कोई भी लीजन हुआ है, किसी टाइप का यहाँ पे लीजन है, इसलिए अल्टरेशन हो रहा है, और आप डायग्नोस करने में ये आपको हेल्प करेगा। मसल्स में क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है हमारी मसल्स की पावर, मसल्स का टोन कम हो जाता है। तो वो क्यों कम हो जाता है, उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि हमारे लीजन हो जाए अपर मोटर न्यूरॉन, लीजन हो जाता है लोअर मोटर न्यूरॉन। जो अपर मोटर न्यूरॉन में कोई लीजन हुआ है तो वो हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट नहीं करता, पर जब लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में होगा तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूरोप्लेक्सिया हो जाता है, एक्सॉन्टोमाइसिस हो जाता है, न्यूरोटोमाइसिस हो जाता है। तो ये न्यूरोप्लेक्सिया क्या होता है, फर्स्ट डिग्री का नर्व इंजरी हो जाती है, फर्स्ट डिग्री, इसमें एक्सॉन्टोमाइसिस में सेकंड डिग्री नर्व इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, उसका डीजनरेशन जल्दी से नहीं हो पाता है। न्यूरोटोमाइसिस वो तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर होता है, इसमें हमारी नर्व प्रॉपर
पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाती है और इसके रीजनरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस टाइप के नर्व लीजन हो जाते हैं, तो वो पता करते हैं हम एस टी कफ या एफ जी टेस्ट से या एम जी टेस्ट से, एन सी वी से, कि यस किस टाइप का लीजन हुआ है। एंड डिफेक्ट ऑफ द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, जब भी हमारे कोई न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर कोई डिफेक्ट हो जाता है, मीन्स ओकेशनली हमें देखने को मिले, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि मसल्स हमारी जो होती है प्रॉपर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मसल्स में क्या कोई डिजीज हो गया या तो ऐसा हो सकता है, तो मसल्स वीक हो जाती है, तो इससे कि प्रॉपर वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है और हमारी डिफेक्ट देखने को मिलता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होता है। मसल्स लीजन हुआ है, मसल्स कोई डैमेज हो गया है, किसी इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशंस में मसल्स वीकनेस हो गई, फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया है, वॉलंटरी लॉस हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है, तो फंक्शनल डिसऑर्डर का रीज़न क्या है वो आपको पता करना होगा। स्टेज ऑफ डिनर्वेशन, क्या स्टेज चल रही है अभी डिनर्वेशन की, डिनर्वेशन कितना हो रहा है, इनर्वेटिव इनर्वेशन हो रहा है, डिनर्वेशन हो रहा है, कितना नर्व हमारी डिसेंडेट कर पा रही है, तो ये आप इस टेस्ट के थ्रू, इलेक्ट्रोडायग्नोसिस के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियोस आपको सारे इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी के मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच।